नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश की प्रमुख खबरें। एकता कपूर और मां शोभा कपूर के खिलाफ गंदीबाद सीजन 6 में नाबालिगों के अश्लील सीन दिखाने पर पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज हुई है। आरोप है कि सीरीज में सिगरेट के विज्ञापन से महापुरुषों का अपमान और अन्य कानूनों का उल्लंघन किया गया। दोनों का इस मामले पर अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। उत्तर भारत में ठंड और दक्षिण में बारिश के बीच बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान उठने का खतरा बना हुआ है। IMD ने ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किए हैं। 20 से 26 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश संभव है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में गिद्धों की संख्या 500 से अधिक हो गई है, जो जैव विविधता का संकेत है। यहां 32 गिद्ध प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि बाघों की संख्या भी बढ़ रही है। WWF इंडिया ने गिद्धों की गणना के लिए प्रस्ताव भेजा है, जिससे संरक्षण प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। भारत में शहरों के नाम अक्सर विशेष प्रत्ययों से जुड़े होते हैं, जैसे पुर, आबाद और गढ़। इसमें मुजफ्फरपुर, अहमदाबाद या अलीगढ़ जैसे शहर शामिल हैं। इसमें पुर का अर्थ प्राचीन किला या शहर है, आबाद का मतलब पानी से भरा स्थान है और गढ़ किले का संकेत देता है। ये प्रत्यय शहरों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। कनाडा के विदेश मंत्री मेलनी जॉली ने भारतीय राजनयिकों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें मर्डर और धमकी का लिंक शामिल है। उन्होंने कहा है कि बचे हुए भारतीय राजनयिक नोटिस पर हैं। ये बयान खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के बाद आया है, जब कनाडा ने 6 भारतीय राजनयिकों को निष्कासित किया था। बैंक कर्मचारियों की हफ्ते में 5 दिन काम करने और शनिवार रविवार को छुट्टी की मांग पर सरकार जल्द निर्णय ले सकती है। भारतीय बैंक परिसंघ और यूनियनों के बीच सहमति बन गई है। यदि मंजूरी मिली तो बैंकों के खुलने और बंद होने का समय भी बदलेगा। कर्मचारियों को प्रतिदिन 45 मिनट अधिक काम करना होगा। न्यूजीलैंड ने बैंगलोर टेस्ट में भारत को 8 विकेट से हराकर 36 साल बाद भारतीय जमीन पर टेस्ट जीत हासिल की है। टीम इंडिया ने 107 रन का लक्ष्य रखा, जिसे न्यूजीलैंड ने आसानी से हासिल किया। रचिन रविंद्र और विल यंग की शानदार बल्लेबाजी ने कीवी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई है, जिससे उन्होंने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP ने ग्रुप सी के 20 गैर राजपत्रित पदों के लिए भर्ती निकाली है। आवेदन 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक किए जा सकते हैं। आयु सीमा 18 से 28 वर्ष है। आवेदन शुल्क सामान्य या OBC के लिए 100 रुपये हैं। चयन प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षण, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षण शामिल है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड ने ग्रुप सी के तहत ऑफिस अटेंडेंट पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2024 निर्धारित की है। 10वें पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयन के लिए ऑनलाइन टेस्ट और भाषा प्रवीणता परीक्षा होगी। सामान्य OBC या EWS के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है, जबकि SC PWD के लिए 50 रुपये। दिल्ली के रोहिणी प्रशांत विहार में करवा चौथ पर बम धमाके की साजिश का खुलासा हुआ है। धमाके में अमोनियम नाइट्रेट और फास्फोरस का प्रयोग हुआ था। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और NSDIB और NIA जांच कर रही है। इस घटना में मुस्लिम कट्टरपंथियों का हाथ होने का संदेह जताया गया है। तिरुमला में VIP दर्शन के बहाने एक परिवार के साथ 65,000 रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपियों में एक विधान परिषद सदस्य और उनके सहयोगी शामिल हैं। आरोपियों ने बेंगलोर में के तीर्थयात्री परिवार को VIP दर्शन और वेद आशीर्वादम टिकट का वादा किया था। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। भारत ने इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान को 7 रन से हराया। मैच में रमनदीप सिंह ने एक शानदार कैच लिया, जिसे पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने ग्रेटेस्ट कैच बताया है। भारत ने 20 ओवर में 183 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान 176 रन पर सिमट गया। अगला मैच भारत ए का 21 अक्टूबर को UAE से होगा। रिलायंस का वायाकॉम 18 और स्टार इंडिया का मर्जर अंतिम चरण में है, जिसे डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और जियो सिनेमा एक नया OTT प्लेटफॉर्म बनाएंगे। मर्जर के बाद ये भारत का सबसे बड़ा OTT खिलाड़ी बनेगा, जिसमें 40% विज्ञापन बाजार पर नियंत्रण होंगे। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मजबूत टेक्निकल फाउंडेशन के कारण इसे प्राथमिक प्लेटफॉर्म के रूप में चुना गया है।
पटना के बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हॉल में बिहार एक पहचान टीम की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें डॉक्टर सूर्य कुमार फिजियोथेरेपिस्ट समाज से भी एड्यूरिंग रिहैब के संस्थापक को नेशनल हेल्थ केयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर संतोष कुमार सुमन बिहार सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी आपदा प्रबंधन और लघु जल संसाधन मंत्री थे एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बिहार में हेल्थ एजुकेशन और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों को बढ़ावा देना तथा लोगों में बेहतर कार्यों के लिए प्रेरित करना है। वैसे तो इस कार्यक्रम में उपस्थित हर लोग बेहद खास थे, पर एक ऐसे शख्सियत गनौरी पासवान जो जहानाबाद बिहार के हैं वे भी मौजूद थे। उन्होंने अपने हाथों से पहाड़ को छेनी हथौड़े के माध्यम से तोड़कर 500 सीढ़ी बनाई है। इन्हें दूसरे दशरथ मान जी बोलना कोई गलत नहीं होगा। डॉक्टर राजेश सुमन, सौरभ कुमार और तमाम गणमान्य अपने कार्यों के लिए सम्मानित किए गए। टैलेंट के लिए बिहार हमेशा से बेहद खास था और रहेगा। आज के डिजिटल युग में पर्सनल डेटा की सुरक्षा बेहद जरूरी है। हैकर्स से बचने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और VPN का उपयोग करें। नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट करें और पब्लिक वाईफाई का प्रयोग करते समय सावधान रहें। इन उपायों से आप अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं और ऑनलाइन स्कैम से बच सकते हैं। आईफोन 16 प्रो यूजर्स ने फ्रीजिंग और अचानक रीस्टार्ट की समस्या की रिपोर्ट की है, जो सितंबर में लॉन्च के बाद से जारी है। हालिया iOS अपडेट्स भी समस्या का समाधान नहीं कर सके हैं। यूजर्स का मानना है कि समस्या iCloud बैकअप से जुड़ी हो सकती है, लेकिन एप्पल ने अभी तक किसी आधिकारिक फिक्स की जानकारी नहीं दी है। प्राइवेसी के प्रति बढ़ती जागरूकता के बावजूद गूगल GPS के बिना भी आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है। वाईफाई सेल टावर ट्राइगुलेशन और IP एड्रेस के माध्यम से आपकी लोकेशन को पता किया जा सकता है। अपनी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए गूगल की ट्रैकिंग सेटिंग्स में जाकर आवश्यक विकल्प बंद करें। मारुति सुजुकी ने ब्रेजा का नया अर्बेनो एडिशन 849,000 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। इस स्पेशल एडिशन में रियर पार्किंग कैमरा, टच स्क्रीन, इन्फोटेनमेंट सिस्टम और फ्रंट फॉग लैंप्स जैसे फीचर्स शामिल हैं। एक्सपर्ट्स ने इसे फॉर्च्यूनर के फीचर्स के मुकाबले कम कीमत में बेहतरीन विकल्प बताया है। 19 अक्टूबर 2024 को मुंबई में आयोजित हार्पर बाजार वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड्स में ईशा अंबानी को आइकन ऑफ द ईयर, गौरी खान को इंटीरियर डिजाइनर ऑफ द ईयर और निर्जा बिरला को फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। अन्य सम्मानितों में अनन्या पांडे, अनीता डोंगरे और गीतांजलि श्री शामिल हैं। 2024-25 की पहली छमाही में भारत का वाहन निर्यात 14% बढ़कर 25,28,248 इकाइयों पर पहुंच गया है। यात्री वाहन निर्यात 12% बढ़कर 3,76,679 इकाई हो गया है। मारुति सुजुकी 1,47,063 इकाइयों के निर्यात के साथ शीर्ष पर रही, जबकि हुंडई का निर्यात 1% घटा। दोपहिया निर्यात में 16% तक की वृद्धि हुई है। सर्दियों में ड्राई स्किन की समस्या हमेशा बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए खूब पानी पिएं, सुगंधित साबुन और अल्कोहल वाले उत्पादों से दूर रहें, बॉडी वॉश स्किन टाइप के अनुसार ही चुनें और नहाने से पहले तेल लगाएं, गर्म पानी से बचें, सॉफ्ट तौलिए का इस्तेमाल करें और नहाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाएं। फेस पैक में दही और हल्दी या बादाम शहद का उपयोग कर सकते हैं। दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा धन और समृद्धि के लिए की जाती है। पूजा से पहले घर की सफाई करें और सजावट करें, लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियों की स्थापना करें, सही मंत्रों का उच्चारण करें और दीप जलाएं। माँ लक्ष्मी को फल, फूल और मिठाई अर्पित करें और आरती के बाद प्रसाद बांटें, दीप जलाना ना भूलें। सोशल मीडिया पर फर्जी नौकरी ऑफर लेटर की घटनाएं बढ़ रही हैं। अगर आप फ्रेशर है या सामान्य सैलरी का ऑफर आपको मिला है तो सावधान रहें। ऑफर लेटर की जानकारी, कंपनी का लोगो, ईमेल आईडी और अन्य डिटेल्स को चेक करें। अस्पष्ट जानकारी, गलत ईमेल या संपर्क नंबर फर्जीवाड़े का संकेत हो सकते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC ने सुपरवाइजर, जूनियर इंजीनियर और अन्य पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में व्यक्तिगत इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट शामिल है। आवेदन की अंतिम तारीख 8 नवम्बर 2024 है। अधिक जानकारी के लिए DMRC की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB आज नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल 10+2 के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त करने जा रहा है। 3000 से अधिक रिक्तियों को भरा जाएगा। आवेदन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है, जबकि फीस जमा करने की अंतिम तारीख 22 अक्टूबर है। पात्रता में 12वीं पास और आयु सीमा 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। CRPF पब्लिक स्कूल जो दिल्ली और तेलंगाना में स्थित है, शैक्षणिक उत्कृष्टता और सह शैक्षणिक गतिविधियों पर जोर देता है। 1988 में स्थापित ये स्कूल CRPF कर्मियों के बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करता है। प्रवेश प्रक्रिया में ऑनलाइन पंजीकरण, आयु मानदंड और इंटरव्यू शामिल है। स्कूल में आधुनिक सुविधाएं और अनुभवी शिक्षक हैं। रेलवे बोर्ड ने 65 साल से कम उम्र के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए 25,000 अस्थायी पदों पर भर्ती की योजना बनाई है। इन पदों में सुपरवाइजर और ट्रैकमैन शामिल है। भर्ती प्रक्रिया में मेडिकल फिटनेस और पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया जाएगा। सैलरी रिटायरमेंट के समय की होगी, लेकिन मूल पेंशन घटाई जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी CGL टीयर 1 परीक्षा का रिजल्ट जल्द आने की संभावना है। परीक्षा 9 से 26 सितंबर के बीच में हुई थी और परिणाम नवंबर के अंत से पहले जारी होने की उम्मीद है। पासिंग मार्क्स अनारक्षित श्रेणी के लिए 30%, OBC और EWS के लिए 25% और अन्य के लिए 20% निर्धारित है। करवा चौथ पर इस साल 80 साल बाद कई अद्भुत ज्योतिषीय संयोग बन रहे हैं, जैसे सम सप्तक, बुधादित्य, गज केसरी, महालक्ष्मी और सस योग। व्रत 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 पर शुरू हो चुका है और 21 अक्टूबर को समाप्त होगा। पूजा का मुहूर्त शाम 5:46 से शुरू हुआ था, जो 6:54 तक था। इस दिन निर्जला और व्रत और चंद्रमा को अर्घ देने का महत्व है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है संजीव कुमार, सपना कुमारी, राम बाबू दास, बिंदु कुमारी, दीपक कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, गोविंद गौरव, नौसाद रजा, सोनू रहमान। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सर्दियों में खुद का ख्याल रखने के लिए आप क्या करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।